हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ डिडक्शंस फ्रॉम इनकम टैक्स। सो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं और उनकी लिमिट क्या है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 80 आपको सर्टेन डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। तो वो आपकी डिडक्शंस प्रोवाइडेड हैं फ्रॉम 80C to 80U। ओके, तो आपको 80C से लेके 80U तक आपको सर्टेन डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। हर एक सेक्शन के अंदर अलग अलग अमाउंट स्पेसिफाइड है और अलग अलग कंडीशंस हैं कि आपको कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कितनी कितनी डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 80C की डिडक्शन। ओके, सो देखिए, 80C की डिडक्शन किसको प्रोवाइड की जाती है? अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 80C। ओके, सो अगर आप उन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं 80C की डिडक्शन के लिए। ओके, अब ये स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट हैं क्या? देखिए, यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट है जो कि 80C के अंदर गिवन है, और अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 80C की डिडक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया गया है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 80C के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइडेड हैं, तो उसके अंदर से कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर नहीं कर रहे हैं, आप सेपरेटली यहाँ पे अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, अगर आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन करा है, इसके साथ साथ अगर आपने कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस करा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट थे जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 80C की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पे जो 80C की डिडक्शन है, अगर आप उन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 80C की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। 80CCC की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सर्टेन पेंशन फंड, ओके, अगर आप पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब यहाँ पे आप 80CCC की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80CCD की बात करते हैं, सो देखिए, 80CCD एंड 80CCC के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस है, दैट इज 80CCC की डिडक्शन आपको मिलती है अगर आप पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी फंड के अंदर। ओके, बट 80CCD के अंदर आप एलिजिबल हैं अगर आप पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि इनिशिएट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस केस में आप 80CCD की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, सो देखिए, यहां पे आपका 80CCC और 80CCD, इन दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, दैट इज 80CCC के अंदर आप सर्टेन पेंशन फंड, दैट इज आप किसी भी पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 80CCC की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, और 80CCD के केस में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पे याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फंड इनिशिएट किया गया है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहां पे आपको 80CCD की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड की, तो यहाँ पे आपका अटल पेंशन योजना हो सकता है, ओके, और भी बहुत सारे पेंशन स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 80CCD की डिडक्शन मिलेगी। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 80C, 80CCC एंड 80CCD, इन तीनों को मिला के आपको जो टोटल डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी वो होगी 1,50,000 रुपीज की। ओके, और ये स्पेसिफाइड कहां पे है कि आपको 1,50,000 तक की ही डिडक्शन मिलेगी, वो है 80CCE के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि आप 80C, 80CCC एंड 80CCD, इन तीनों को मिला के, दैट इज इन तीनों के अंदर आप डिडक्शन क्लेम करके मैक्सिमम डिडक्शन आप 1,50,000 का क्लेम कर सकते हैं। ओके,
नाउ अब बात करते हैं 80D की डिडक्शन की। सो अगर हम बात करें 80D की डिडक्शन की, तो यहां पे अगर मान लीजिए आपने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो यहां पे आप 80D की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, सो देखिए डिडक्शन के लिए आपको कितना अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है। देखिए आपने जो भी प्रीमियम पे करा है या 25,000 रुपीज, ओके, इसके अंदर से जो भी कम होगा उतने की आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट ये केस है अगर आप 60 ईयर से कम के हैं। ओके, मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज आपकी एज 60 एंड अबव है, तो उस केस में आपको आपने जो एक्चुअल प्रीमियम पे करा है या 50,000 रुपीज, ओके, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80D। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको याद रखिए अच्छे से। नाउ नेक्स्ट है आपका 80DD की डिडक्शन। तो यहां पे आपको 80DD की डिडक्शन कब प्रोवाइड की जाती है, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई भी डिसेबल्ड है एंड वो डिपेंडेंट है। ओके, तो इस केस में आप 80DD की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ओके, तो यहां पे आपको डिडक्शन कितना प्रोवाइड किया जा सकता है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको यहां पर फ्लैट डिडक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा 75,000 रुपीज का। ओके, बट यहां पे केस क्या है, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज ये आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ जो डिसेबल डिपेंडेंट हैं, अगर मान लीजिए वो सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यहां पे जो आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी वो 1,25,000 तक की प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अब ये बेसिकली डिसाइड कैसे होगा कि वो नॉर्मल डिसेबिलिटी है कि सीवियर डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका डॉक्टर होगा वो सर्टिफाई करेगा कि यहाँ पे बेसिकली जो डिसेबल्ड हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्या उनको नॉर्मल डिसेबिलिटी है या सीवियर डिसेबिलिटी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 80DDB की। तो 80DDB की डिडक्शन आपको कब मिल सकती है, अगर आप सर्टेन स्पेसिफाइड क्रिटिकल डिजीजेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ओके, तो यहां पे बेसिकली जो भी डिजीजेस 80DDB के अंदर स्पेसिफाइड हैं, अगर आप उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तब भी आपको यहां पे डिडक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए यहां पे कौन कौन सी डिजीजेस स्पेसिफाइड है और कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट आपको यहां पे ये याद रखना है कि 80DDB के अंदर सर्टेन स्पेसिफाइड डिजीज के अंदर ही आपको ये डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब इसका अमाउंट कितना है, देखिए या तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट है, जितना आपका एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर लगा है ट्रीटमेंट के अंदर, और 40,000 जो भी कम होगा। ओके, सेकंड केस क्या है, 1 lakh और एक्चुअल वट एवर इज लेस फॉर सीनियर सिटीजन। और मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहां पे डिडक्शन कितने मिलेगा, 1 lakh rupees या जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, नाउ इसके अंदर से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, जितने का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उतना आपको अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट होगा जो कि आपका लगा है मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। ओके, मान लीजिए आपका मेडिकल ट्रीटमेंट पे 50,000 रुपीज लगे हैं और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 रुपीज मिल चुके हैं, तो आपको जो एक्चुअल अमाउंट माना जाएगा एक्सपेंडिचर का वो कितना माना जाएगा, 10,000 रुपीज। ओके, अगला है आपका 80E की डिडक्शन। तो 80E की डिडक्शन कब प्रोवाइड की जाती है, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया हुआ है। ओके, सो मान लीजिए आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया हुआ है और उस पर आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो इस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा, तो देखिए यहां पे डिडक्शन का कोई भी अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ओके, सो देखिए आप जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उतने का आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80E। ओके, द टोटल इंटरेस्ट पेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन। नाउ इसके अंदर एक और चीज क्या है, नो टैक्स बेनिफिट इज अलाउड फॉर द प्रिंसिपल रीपेमेंट। आपको जो प्रिंसिपल पेमेंट करना है, दैट इज आपने जितना भी एजुकेशन लोन लिया है उसके प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट पे आपको कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए अच्छे से। ओके, 80E, 80D, 80C ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट आपका 80EE। तो 80EE की डिडक्शन आपको कब प्रोवाइड की जाती है, देखिए अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, ओके, और उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो इस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। अब कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलती है ये एक बार देख लेते हैं। देखिए अप टू 50,000 रुपीज ऑन इंटरेस्ट ऑन
लोन, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिल जाएगी जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं लोन के ऊपर उस पे। ओके, नाउ इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तभी आप 80EE की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 80EE की डिडक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब ये कंडीशंस क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपने जो लोन लिया है उसका अमाउंट या तो 35 लाख हो या 35 लाख से कम हो। ओके, अगला है कि आपने जो भी हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करा है उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है कि जो भी एसएससी है जब वो हाउस प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है उस समय उसके पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही कोई भी पर्सन 80EE की डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। ओके, अगला है आपका 80G की डिडक्शन। सो अगर हम बात करें 80G की डिडक्शन की, तो यहां पे आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है अगर आप डोनेशंस दे रहे हैं सर्टेन फंड्स के अंदर। ओके, तो यहां पे आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जा सकती है अप टू 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डोनेशन, या फिर आपको 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डोनेशन की भी डिडक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। अब आपको किस पे 100% की डिडक्शन दी जाएगी और कौन सी डोनेशन पे आपको 50% की डिडक्शन दी जाएगी, ये स्पेसिफाइड है 80G के अंदर। ओके, तो इसको हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डोनेशन पे 100% की डिडक्शन मिलेगी और कौन कौन से पे आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी। ओके, सो देखिए अगर हम बात करें यहां डोनेशंस की, तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, 100% की डिडक्शन आपको कब मिलेगी, 50% की कब मिलेगी, 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट और 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। सो देखिए अगर हम बात करें कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और क्या नहीं है, तो आप यहां पे इन दोनों चीजों को इग्नोर कर दीजिए कि 100% आपको क्वालिफाइंग लिमिट पे कब मिलेगी या 50% आपको क्वालिफाइंग लिमिट पे कब मिलेगी। आप सिंपली याद रखिए आपको 100% किस पे मिलेगी और 50% किस पे मिलेगी। ओके, अगर हम बात करें 100% डिडक्शन की, तो इसके अंदर बहुत सारे फंड हैं, यहां पे जितने स्पेसिफाई किए गए हैं वो केवल इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स हैं। ओके, तो इतना सारा याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप यहां पे केवल 50% याद रखिए, बिकॉज 50% में केवल 4 फंड पे आपको 50% की डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज बाकी सारी इन्वेस्टमेंट पे आपको 100% की डिडक्शन मिल जाती है। अब 50% कौन से 4 पे दी जाती है, और वो है सबसे पहले आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ओके, तो इस पे आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी। सेकेंड है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। ओके, थर्ड है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड फोर्थ आपका राजीव गांधी फाउंडेशन। तो इन चारों फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पे 50% की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज बाकी सारे डोनेशन पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, अब 100% के अंदर कई सारे फंड्स हैं, 20 से भी ज्यादा हैं, तो आप उतने सारे याद रखने के बजाय आप केवल 50% के नाम याद रखिए। ओके, बाकी सारे आपके 100% के अंदर आ जाएंगे। ओके, चलिए तो ये थी आपकी 80G की डिडक्शन। ओके, आगे बात करते हैं 80GG की डिडक्शन की। ओके, तो ये कब प्रोवाइड किया जाता है आपको, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और आपको HRA रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको HRA नहीं दे रहा है, दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80GG। और आपको कितने की डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी, देखिए इनमें से जो भी मिनिमम होगा उतने की आपको डिडक्शन दी जाएगी। सबसे पहले 25% ऑफ टोटल इनकम, सेकेंड आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, एंड थर्ड आपका 5,000 रुपीज पर मंथ। तो इन तीनों में से जो भी आपका मिनिमम अमाउंट निकलेगा उतने की आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 80GG। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, आप इसको याद रखिए, ये तीनों कंडीशन आपसे पूछा जा सकते हैं डायरेक्टली पेपर के अंदर। ओके, अगला है आपका 80GB की डिडक्शन। तो ये कब प्रोवाइड किया जाता है, अगर कोई भी कंपनी, याद रखें यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर डोनेशन दे रही है टू सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। ओके, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंपनी डोनेशन दे रही है, ओके, तो इस केस में वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80GG के अंदर। ओके, और डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा, जो भी उसका एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, सेकेंड आपका 80GC की डिडक्शन। तो ये क्या है, अगर कोई भी डोनेशन दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को बाय एन इंडिविजुअल,
तो अभी हमने लास्ट 80GGB के अंदर बात की, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया जा रहा है बाय अ कंपनी, ओके, तो इस केस में वो डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80GGB, ओके। बट मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल डोनेशन दे रहा है टू अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, तो यहां पे वो डिडक्शन किस में क्लेम कर सकता है, 80GGC के अंदर, ओके। अब यहां पे बेसिकली डिडक्शन का अमाउंट कितना है, वही सेम जितना कि उसका एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगला है आपका 80QQB। सो देखिए 80QQB कई बार पेपर के अंदर पूछा भी जा चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए कि 80QQB की डिडक्शन आपको तब प्रोवाइड की जाती है अगर आपको कोई भी रॉयल्टी इनकम मिल रही है, अगर आप ऑथर हैं, आपने कोई भी अपनी बुक पब्लिश करवाई है जिस पे आपको रॉयल्टी इनकम रिसीव हो रही है, तो उस रॉयल्टी इनकम पे भी आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80QQB, ओके। अब ये डिडक्शन का अमाउंट कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिडक्शन का अमाउंट होगा जो भी आपको इनकम मिली है या 3 लाख रुपीज जो भी इनमें से मिनिमम होगा, ओके। तो इतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80QQB अगर आपकी रॉयल्टी इनकम है बाय पब्लिशिंग अ बुक, ओके। नाउ अगला है आपका 80RRB। अब ये 80RRB क्या है, देखिए अभी तक हमने बात की अगर आपको कोई भी रॉयल्टी इनकम हो रही है बाय पब्लिशिंग अ बुक, ओके। बट मान लीजिए अगर आपको कोई भी रॉयल्टी इनकम हो रही है अदर देन बुक्स, ओके, सो आपकी कोई भी इन्वेंशन भी हो सकती है, उस इन्वेंशन पे अगर आपको कोई भी रॉयल्टी इनकम हो रही है तो इस पे भी आपको डिडक्शन मिल सकता है, बट यहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा 80RRB के अंदर, ना कि 80QQB के अंदर, ओके। और यहां पे जो आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो सिमिलर ही है, दैट इज 3 लाख रुपीज और इनकम डिराइव, इनमें से जो भी मिनिमम होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ओके। नाउ 80TTA, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि 80TTA के अंदर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, ओके। तो सर देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 80TTA की डिडक्शन आपको कब प्रोवाइड किया जाता है। 80TTA की डिडक्शन आपको तब प्रोवाइड किया जाता है अगर आप सेविंग अकाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम हुआ है, ओके। तो यहां पे आपको डिडक्शन कितना मिलता है, 10,000 रुपीज का, या जो भी आपको एक्चुअल इंटरेस्ट मिला है इसमें से जो भी आपका मिनिमम होगा, ओके। नाउ लास्ट है आपका 80U की डिडक्शन। अब 80U की डिडक्शन क्या है, देखिए हमने बात किया था अभी 80DD, दैट इज 80DD की डिडक्शन के बारे में। तो अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई भी डिसेबल्ड है और डिपेंडेंट है तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाती है अगर आप उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अमाउंट कितना है, 75,000 और 1,25,000 बेस्ड ऑन नॉर्मल डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी, ओके। बट मान लीजिए अगर आप इंप्लॉय हैं और आप खुद ही डिसेबल्ड हैं तो इस केस में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 75,000 एंड 1,25,000 सेम अमाउंट है अगर आप डिसेबल्ड हैं, ओके। बट आपको यहाँ पे डिडक्शन किससे मिलेगा, 80U के अंडर डिडक्शन मिलेगा, ओके। तो ये थे सारे डिडक्शंस, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट गाइज़।